बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब जी? आज हमने ना सहरी कर ली है और अभी जी अजान जो है ना, एक तो ख़त्म हो गई, दूसरी स्टार्ट हो गई। तो जी अभी ना हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जी पढ़ते हैं नमाज, सहरी कर ली, बर्तन भी मैंने धो लिए क्योंकि सुबह फिर मसला नहीं होता कि बर्तन धोने वाले हैं धोने हैं। तो जी अभी पढ़ते हैं पहले नमाज और फिर पढ़ते हैं कुरान पाक, उसके बाद जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँ जी। बिस्मिल्लाह जी, आज मैं आपको दिखाऊँ, आज तो हमारा ना बहुत सारा नुकसान हो गया, रात को इतनी बारिश हुई है। तो मिस्त्री भाई तो कल आए हुए थे, मैंने इधर से सारी सफाई कर दी थी, तो मिट्टी वगैरह उठा दी थी, लेकिन पानी जो है ना उसका जो है था ना लेवल, वो इधर को जाता था, लेकिन हमें ना यही था कि पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी बाहर जाने की बजाय ना वो इधर चला गया। ये देखिए इधर इधर आओ, ये ना सारी ये जो नहीं है ना इसके अंदर पानी चला गया, ये सारी की सारी। ये देखिए यहाँ से भी ये कोना भी बैठ गया और उधर से ये दीवार को भी तरेर आ गई है, और जो ये हमने बनाया ना खुरा बर्तन धोने के लिए, इधर भी थोड़ी सी ना ये जो है ना ये हिस्सा एरिया जो है ना ये बैठ गया। तो आज तो बहुत सारा जी हमारा नुकसान हो गया। अभी मिस्त्री भाई आए हैं, उन्होंने अभी ना ये वॉशरूम को मुकम्मल करना था, लेकिन हमने जब सुबह उठकर देखा तो इधर पानी पड़ा हुआ था, हमने कहा यहाँ से ना आप ये ईंटें वगैरह निकालें और देखें क्या हुआ। तो ये देखा तो जी नीम में ना पानी बहुत ज़्यादा, सारा जो रात की बारिश थी ना सब की सब इधर चली गई है। तो अभी जी इसका हल देख रहे हैं कि क्या करना। मिस्त्री भाई जो है ना वो पंप खोल कर चला गया, इसके पैप लाएगा नीचे जो पड़ने हैं इसके, इसको हम ऊंचा करेंगे और ये जो है ना इसकी वायरिंग भी दोबारा से वो के ऊपर आएगी, फिर इसका पहले मोटर का कुछ सोचेंगे, फिर ये फर्श की जो है ना कुटाई करेंगे, उसके बाद इसमें अच्छी मिट्टी साफ डालकर दोबारा से इसका फर्श उठाएंगे। तो जी ये आज की जो है ना दिहाड़ी हमारी इधर मिस्त्रियों की लग जानी है, हमने सोचा था कि काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से जी बादल देखे आपने कितने बड़े बने हुए हैं, ऊपर देखें इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि बारिश चाहे अभी आ जाए ये भी कोई पता नहीं है। तो बारिश आने से पहले पहले हमने ये काम जो है ख़त्म करना, तो आज तो बहुत सारा नुकसान हो गया। तो अभी देखते हैं जी कितना टाइम लगता है इधर। तो कह रहे थे सूखी मिट्टी इधर से गीली मिट्टी निकालेंगे, फिर सूखी मिट्टी डालेंगे, उसके बाद उसको कटाई करेंगे, फिर उसको फर्श उगाएंगे। तो जी अभी रूटीन क्या करना, काम तो जो मोटर पानी भी बंद हो गया हमारा, क्योंकि बर्तन वगैरह सफाई वगैरह भी सिर्फ झाड़ू देती हूँ। और जी मैं ना कपड़े धोने लगी थी, एक सूट मैं धोने लगी थी, और मेरी बहू जो है ना अपने शोहर के धोने लगी थी, क्योंकि उन्होंने ड्यूटियों पर जाना होता पहने होते, इनकी वजह से मस्तियों की वजह से ये जो बिखरा हुआ था सारा मलबा, इसकी वजह से हमने कपड़े भी नहीं कितने दिनों से धोए, तो आज भी नहीं मतलब धो सके। तो एक एक सूट जो है ना एक एक दो दो सूट वो हाथ से धो लेते हैं, तो एक दो दिन जो है ये सूखते सूखते लग जाना, तो फिर इंशाल्लाह मशीन भी लगाएंगे। तो वर्दा अभी जो है ना ये स्कूल जाने लगी थी, इसकी तबीयत होगी ज़्यादा ख़राब, हमने इसको कहा कि तुम नहीं जाओ, उल्टियाँ करने लग गई। अभी बच्चे भी माशाल्लाह से निकल हैं, अच्छा चलो ठीक हो ठीक हो, चलो जी आओ दूसरे काम करते हैं, मेरे साथ काम कराओ आज जी। तो ये देखे जो हमारा नुकसान हुआ ना उसे काफ़ी सारा ही नुकसान हो गया। तो अभी जी ये देखे इसके नीचे सपोर्ट देखे ना, तो ये इन्होंने ना कोना निकाल दिया, क्योंकि इधर दरार बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, तो जब इधर से इन्होंने मिट्टी डाल के उसको दबाया ना इसके साथ ऐसे कूटा, तो और ज़्यादा ये ना दरार पड़ गई थी। तो अभी ये इस अंदर सपोर्ट दे के ना इसको, तो छत को इसके पिलर के ऊपर खड़ा किया। तो ये जो है ना हम दोबारा से ये इसकी ना मरम्मत करने लगे हैं मिस्त्री भाई, तो अभी इसका भी सोचे, इसका तो हो गया, ये देखिए जी मोटर को भी ऊँचा करके ना खड़ी बना दी है नीचे, और इसको दोबारा से ये इसकी फिटिंग कर दी है ऊँचा करके। तो अभी ये देखिए ये दोबारा से फर्श पहले इसको निकालियाँ, ईंटें निकालियाँ दोबारा से फिर लगाइयाँ, अभी इसके ऊपर ना सीमेंट वगैरह फिरेगा तो फिर ये सेट हो जाएगा। तो अभी जो भी दिन भर की होगी बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो बहुत सारा ना टेंशन लगी, और एक और टेंशन बन गई, मेरा बेटा गया था सीमेंट लेने, उसके ऊपर बोरी गिर गई, तो काफ़ी सारी चोट लग गई, उसको तो आप सबने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबके बेटों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तो अल्लाह ताला सबकी औलाद को सेहत वाली ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। तभी ये मिस्त्री भाइयों ने आना, मैंने उनको हटा कर तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बनाई है वीडियो थोड़ी सी, कि देख रहे इतना नुकसान हुआ है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी भाई का काफ़ी सारा काम हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी जी अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं रोटी बना कर रख लेती हूँ,
तो फिर मैं और कोई काम कर गया, अभी मैंने ना खरबूजा भी काटना है और खजूरें भी धोनी है। टाइम तो अभी काफ़ी है, लेकिन ये है कि पहले रोटी बना के रख लूँगी ना, तो फिर आसानी हो जाएगी उधर सारा रखने में। तो जी आज तो मेरे बेटे की इतनी परेशानी बनी ना, यकीन मानकर जाने मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा बेटा गया मोटरसाइकिल पे बोरियां लेने दो सीमेंट की, उधर दुकान वाले ने कहा कि आओ भाई उठाते हैं, एक उठाकर उन्होंने मोटरसाइकिल पर रख दी और दूसरी उठाने लगे तो इतनी ऊंची तह लगी हुई थी, ऐसे अभी नीचे ही हुआ तो ऐसे गिर गई वो ना, ऐसे हुआ ऐसे गिरा उसका, इधर से चोट लगी ये जो होती है ना ये पलक के ये जो भवन होते हैं इसके ऊपर, इतना सूज गया। जब बच्चा एक लेके आया कह रहा कि आंटी आप ना अपनी बोरियाँ ले लो, मैंने कहा मेरा बेटा किधर है, तो कहने लगा उसको चोट लगी है। तो मैंने कहा कहाँ से चोट लगी, कैसे लगी जी, उसके ऊपर बोरियाँ गिर गई, मेरी तो जान ही निकल गई। वो जो मिस्त्री भाई है ना वो बैठा, मैं बैठी और जो बच्चा लेके आया था बोरी सीमेंट की उसके साथ अब बैठ के दुकान पर गए, तो उधर चारपाई पे लेटा हुआ, तो जाकर जल्दी से देखा तो इतना सूजा हुआ, जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेके गए। उसने पट्टी की, कहने लगा कि चोट लगी है, मांस नहीं मतलब टांका वाला नहीं था, टांका लगने का नहीं था, थोड़ा सा ना खराश आई है और सूजन हो गई। तो जी दोनों टांगों पर चोट लगी है, दोनों कोहनियों पर लगी है, हाथ पर लगी है, इधर ये सारे इस साइड पर लगी है। तो मैंने कहा कि उसको थोड़ी सी वीडियो बना लो, तो मेरा बेटा जो है ना थोड़ा सा शर्मीला है तो इसलिए नहीं आ रहा। तो आप सब ने मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जी। मैं रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ करूँगी आप सबके लिए कि जहाँ कहीं भी आप हैं, देश प्रदेश में हैं, जहाँ भी हैं मेरे भाई बहन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरी नवासी नवासियाँ, पोते पोतियाँ, जहाँ कहीं भी हैं जिस एक की माँ सबकी माँ जी, जैसे कहते हैं कादे आदम मोहम्मद अली जिना की जो बहन थी वो पूरी कौम की माँ थी फातिमा जिना। तो इस तरह जी मैं तो नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ जब भी नमाज पढ़ती हूँ। तो आपने मेरे लिए दुआ करनी और मैं इंशाल्लाह रोज़ा इफ्तार करने के वक्त आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी अभी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, तो फिर मैं आपको अभी बाइश दिखाती हूँ कितना काम हमारा हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमने रोज़ा भी इफ्तार कर लिया और मिस्त्री भाई को भी रोज़ा इफ्तार करा दिया। तो जी ये देख रहे हैं काम कंप्लीट हो गया, शुक्र है ये तो काम हो गया। ए पीछे रहो, ओई होई होई होई, ये ख़राब हो जाना, अभी गीला है, अभी नहीं इधर आना मानो, इधर आ जाओ, ये दिखाओ बेटा, ये देखे जी ये जो है ना हमारे वो कूड़े का जो प्लस्तर वो भी हो गया, ये इधर बनी जो है ये भी कर गए हैं और नीचे भी सही हो गया। तो अभी ये सूखेगा तो फिर ही इंशाल्लाह जी पता चलेगा सही। अभी रात भी हो गई है, आप क्या कर रही हो, इधर क्यों आ रही हो? तो जी जिस मेरे बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिए याद, अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। ओके जी अल्लाह हाफिज़। हाथ गंदे हो गए इसके।